असलम स्टूडेंट्स आई होप यू आर फाइन टूडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट होमोनिम्स होमोनिम्स जो है ये एक ऐसा वर्ड है जो कि दो वर्ड से मिलके बना है अगर हम देखें होमो तो होमो का मतलब होता है सेम और निम्स जो है इस ये एक सफिक्स है सफिक्स मतलब ये किसी वर्ड के बाद यूज़ किया गया है और इसका मतलब होता है नेम uh, तो होमो जो हैं वो क्या बता रहे हैं सेम नेम सो so, अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो हॉमोनम्स जो हैं वो इस तरह के वर्ड्स होते हैं जिनके स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल सेम होते हैं इनको जब हम प्रनाउंस करते हैं तो हम एग्जैक्टली सेम प्रनाउंस करते हैं लेकिन इनका जो मीनिंग है वो डिफ़रेंट होता है तो अब आपको किस तरह से पता चलेगा कि ये वर्ड अगर कहीं पे भी इस्तेमाल किया गया है जिसकी साउंड भी सेम है इसकी प्रनउंसिएशन भी सेम है इवन इसके स्पेलिंग्स भी 100% सेम हैं तो आप कैसे गेस्ट करेंगे कि हमने ये कौन से वाला वर्ड जो है ये इस्तेमाल कर रहे हैं सो so आपको इसका आइडिया इस तरह से होगा जब भी आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे होंगे तो वो आपने जज करना है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है तो वहाँ पे जब आप उसको रीड करेंगे तो उससे आपके बा उसके कॉन्टेक्स्ट को माइंड में रखते हुए आपको ये आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे इस वर्ड को किस मीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है अब हमारे पास ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि होमोनिम uh, की कैटेगरी में आते हैं लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स आपके लिए लिए हैं जिससे मैं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली डिफ़ाइन कर सकूँ सो फर्स्ट वर्ड डेट आई हैव इज सिंक अगर हम देखें सिंक तो सिंक जो है इसके दो मीनिंग्स हो सकते हैं सिंक जो है अगर हम किचन में जो है जिसमें हम अपने बर्तन रखते हैं अपने पोर्ट्स रखते हैं उन्हें वॉश करने के लिए वहाँ पर भी जो है वो सिंक यूज़ किया जाता है और इसके अलावा अगर हम देखें तो सिंक का मतलब एक दूसरा मतलब होता है किसी भी चीज़ का डूब जाना यानी नीचे चले जाना और हम सब जानते हैं कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो डूबती हैं जो कि हैवी होती हैं सो यहाँ पे मेरे पास दो सेंटेंसेस हैं देर आर सम प्लेट्स इन द किचन सिंक यानी किचन के सेंक में कुछ प्लेट्स हैं द शिप to टू bottom ऑफ द सी यहाँ पे जहाज की बात हो रही है कि जहाज जो है वो बॉटम ऑफ द सी सी के समुद्र के तह में जाकर जो है वो डूबता है और ये कौन सा जहाज हो सकता है ऑब्वियसली ये समुन्द्र की बात हो रही है तो ये समुन्द्री जहाज होगा नेक्स्ट टाई टाई जो है इसके दो मीनिंग्स होते हैं टाई का एक तो मतलब होता है किसी चीज़ को बांधना ठीक है उसको नॉट लगाना और दूसरा जो इसका मतलब होता है वो आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जो मेल होते हैं जो जेंट्स होते हैं वो अपनी जब ड्रेसिंग करते हैं तो वो अपने नेक में एक जो है वो एक पीस पहनते हैं जिसको हम टाई कहते हैं ठीक है थीके? जो कि यूजअली आपकी फॉर्मल ड्रेसिंग में इस्तेमाल हो रहा होता है सो so, अगर हम इसके सेंटेंसेस देखें प्लीज़ टाई अ नॉट इन दिस रॉप प्लीज़ इस जो रस्सी है इसमें एक नॉट लगा दो तो यहाँ पे जो टाई का वर्ड है ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया होगा टाई का मतलब यहाँ पे उसको नॉट लगाने के लिए उसको बांधने के लिए इस्तेमाल किया गया है He likes to wear a tie and shirt. ही लाइक्स टू वेयर अ टाई एंड शर्ट वो टाई यानी ये जो पहनने वाली टाई है वो और शर्ट पहनना पसंद करता है यहाँ पे आपको सेंटेंस पढ़ के ही अंदाजा रहा हो रहा होगा कि ये कौन से वाले टाई की बात जो है वो यहाँ पे की जा रही है Next well, homonym that I have written here is part. अगर हम देखें तो पार्क में हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं पार्क के लिए आपके पास सबसे पहले माइंड में आएगा वो जगह जो जहाँ पे ग्रीनरी होती है ट्रीज़ होते हैं गार्डन काइंड ऑफ एरिया होता है जहाँ पे बच्चे बड़े सब खेलते हैं स्विंग्स लगे होते हैं लेकिन अगर हम इसका एक और मीनिंग देखें तो हम अप, अपनी जो कार है किसी भी जगह पर जाके जब उसको वहाँ पर प्लेस करते हैं तो उसके लिए भी हम पार्क का वर्ड इस्तेमाल करते हैं यानी कार को पार्क करना जो कि एक पार्किंग एरिया जो होता है एक स्लॉट होता है जो कि हमने स्पेसिफिकली अः कार को पार्क करने के लिए एलोकेट किया होता है सो so, यहाँ पे अगर हम देखें दे पार्क देयर कार्स आउटसाइड द हाउस वो अपनी कार्स को कहाँ पे पार्क करते हैं घर के बाहर तो यहाँ पे पार्क जो है उसका मतलब कार को किसी जगह पे रखना ताकि वो सेफ रह सके द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क अब यहाँ पे आपको सेंटेंस पढ़ के पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन से पार्क की बात हो रही है बच्चे हैं जो कि खेल रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा पार्क होगा वही पार्क जहाँ पे ग्रीनरी होती है और जो इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है नेक्स्ट हॉमोनियम डेट आईव रिटर्न हेयर इज बैंक बैंक जो है इसके दो मतलब होते हैं एक बैंक तो बहुत ही फमीलियर है जिसको हम सब जानते हैं जहाँ पे हम अपने पैसों को रखते हैं ताकि वो सेफ रह सकें वो महफूज रह सकें तो एक तो होता है वो बैंक इसके अलावा एक जो दूसरा बैंक है वो हम कहते हैं किसी चीज़ के किनारे को सो so, यहाँ पे अगर हम देखें अली बॉट अ हाउस नियर द रिवर बैंक अली ने घर खरीदा कहाँ पर दरिया के आ, रिवर के किनारे पे तो यहाँ पर हमने जो इसके लिए वर्ड यूज़ किया है वो है रिवर बैंक नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव सारा ओपन एन अकाउंट इन अ बैंक अब ये पता चल रहा है ये बहुत ऑब्वियस है कि उसने ओपन किया है अपना अकाउंट तो कौन से वाला बैंक होगा ये ये वही बैंक होगा जहाँ पर हम अपने पैसों को रखते हैं नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड आई हैव रिटन हेयर इज मैच मैच जो है इसके भी दो मीनिंग्स हो सकते हैं कुड यू प्लीज लाइट मैच स्टिक अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे मैच स्टिक की बात हो रही है मैच स्टिक क्या होती है माचिस की तीली तो यहाँ पे भी एक मैच का वर्ड इस्तेमाल किया गया है जो कि माचिस की तीली के लिए इस्तेमाल किया गया है और नेक्स्ट है दे वन द क्रिकेट मैच यहाँ पे कौन सा मैच है ये वो मैच है जो कि गेम होती है जो कि क्रिकेट में अगर ये कि, कि, किसी भी चीज़ का मैच हो सकता है ये फ़ुटबॉल मैच भी हो सकता है क्रिकेट का मैच भी हो सकता है तो क्योंकि यहाँ पे एक टीम की बात हो रही है जीतने की बात हो रही है तो ये बहुत ऑब्वियस है कि यहाँ पे हम एक गेम की बात कर रहे हैं जहाँ पर हमने मैच का वर्ड इस्तेमाल किया है अच्छा अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत से वर्ड्स हैं जो कि मैंने आपको नहीं बताए मैंने कुछ स्पेसिफ़िकली वर्ड्स आपको बताए हैं और भी इस तरह के वर्ड्स हो सकते हैं जैसे कि एक वर्ड है बैट बैट को अगर हम देखें तो एक तो क्रिकेट में यूज होता है क्रिकेट में आप खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम बैटिंग करते हैं और इसी तरह एक इसका जो सेकंड मीनिंग है वो आप सब जानते हैं कि एक जो है चिमगादर जो है उसको भी हम बैट कहते हैं ठीक है तो ये तो थी इसके एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल अब इसी तरह और सब बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम एज़ अ हारमोनीय अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इससे होता क्या है कि ये हमारी जब हम राइटिंग कर रहे होते हैं तो ये हमारे पास एक जो ज़्यादा सारे वर्ड्स आ सकते हैं ये हमें किसी भी कॉन्टेक्स्ट को ज़्यादा क्लियरली डिफ़ाइन कर सकते हैं आई होप आपको समझ आई होगी और आप इसके ऊपर मजीद जो है वो सर्च करें ताकि आप इसको मजीद समझ सकें थैंक यू सो मच अल्लाह मच्लाफ़